अम्मी क्या हुआ? तो आप भी जो बचपन में ऐसे थे, बिल्कुल आपके भम नहीं थे। बाद में हुए, अभी तो छोटा है ना। बाद में देखो आपकी शक्ल हो सकता है। कमजोर है क्या? कौन? नहीं नहीं, मीर बहुत ज्यादा कमजोर था, उससे बहुत सही है। अच्छा, वो बताया गया ना कितने पाउंड का है ना। मुझे अपना ऑपरेट का एक्सपीरियंस बताओ कैसा था। सब जो तुम्हें सब लोग कह रहे थे कि दर्द होगा, ये होगा, आवाज नहीं होता, कोई कुछ भी नहीं होता। दूसरे आपको डराते हैं, आपकी डॉक्टर अच्छी होनी चाहिए। मेरी डॉक्टर बहुत अच्छी थी। अभी तो मैं बस ऐसे सो रही थी, लेकिन मुझे मतलब एक भी आंसू मेरी आंख से नहीं निकला। सब कुछ बहुत अच्छा था ना, मुझे डर लगा ना मुझे कुछ हुआ। बस मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह का सुभान करने को मुझे मेरे दुआ में बार बार पढ़ ली थी। तो मतलब आप कुछ भी आप जो विर्द करना चाहते हो वो कर लें, और अल्लाह पे यकीन रखें तो सब कुछ बहुत अच्छा होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा रहा। और बस ये कि सब आए हुए, इतना अच्छा लग रहा है सब बैठे हुए। तुम्हारी फ्रेंड मैसेज पहले सबसे फातिमा आया। अब ये जो है ना, आप ऑन करती जाओ कि कौन पहले आया है। मेरी फ्रेंड भी आई है, फातिमा सबसे पहले। ठीक है, मेरी फैमिली वाले होते हैं, बस फैमिली वाले ही आते हैं। तो बस अभी सब फैमिली वाले आए, बहुत अच्छा लगा। अभी थोड़ी देर में जैनब भी आ जाएगी। हाँ, जैनब की भी कॉल आई थी, वो आ रही है। नैना के अबू की कॉल आई है। अब बिल्कुल ठीक है, कुछ पता करने लग गया। अच्छा, बेबी भी ठीक है? बेबी भी ठीक है। मैं तो वही साउथ तरीका से तना क्या, मैं शाम को गिरे समय। चलो सही है, मेरे को थी थे बनी ना, एक दफा थी थे बनी। अच्छा, हां मिलते मैंने सेंट्रल हॉस्पिटल। हां, वो दो तलवार तक आवन है, सामने चौकी बड़ी के ना, और टुल्ले आंदी उथे ही तक आवन है। मैं वाल गेन में सा। हां ठीक है, खासा तो लट गया है। हां, अबू हैक भी आ कम में। मामू है ना? मामू क्या? मामू नाना बन गया? नाना जी आ गए हैं। मैं अभी से नाना बन गया। अभी से क्या मतलब, छोटे हो? छोटा साल मरे। तो अभी जो यहाँ पर मैं अपनी अम्मी के लिए खाना लाया हूँ, नदीम भाई भी यहाँ पर आए हुए हैं, और नैना की अम्मी भी यहाँ पर खाना खा रही है। और नैना यहाँ पर अभी कैसा लग रहा है? तो अभी जो है नैना की अम्मी जो है नैना को यहाँ पर बिस्किट्स खिला रही है। अभी उन्होंने बोला था कि क्या कहते हैं, बिस्किट और चाय देना 4 बजे। तो अभी 5 बजने वाले हैं और 4 घंटे हो चुके हैं। तो अब चाय और बिस्किट दे रही हूँ। सही। अच्छा, रात को जो है मैंने लास्ट खाया था 3 बजे खाना, फिर मैंने सुबह खाया 5 बजे ये बिस्किट्स खाए थे। और यहाँ मेरी आपी आई हुई थी, ये जो है बेबी के लिए लाई थी स्विंग। जब मेरा ऑपरेट हुआ सब कुछ हुआ, मुझे नहीं पता लगा, लेकिन ऑपरेशन के 2 घंटे के बाद मुझे इतना पेन स्टार्ट हुआ है, मैं आप लोग को नहीं बता सकती। आप लोग यहाँ पर मेरा फेस देखो, मतलब अजीब सी स्वेलिंग होने लगी और इतना दर्द, मतलब पहले शायद उन्होंने सुन किया हुआ था तो मुझे पता ही नहीं लगा। ऑपरेट के टाइम में बिल्कुल बात करती नहीं, मतलब मुझे बिल्कुल भी किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन ऑपरेशन मतलब उसके बाद जब मैं आ गई, 2 घंटे सब मुझे बोले चुप हो जाओ। मैं बोला नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ होता ही नहीं है, कि मैं सुन थी। और जब मुझे होश आया तो मुझे अल्लाह जानता मेरी क्या हालत हुई है। दूसरा दिन है, 9 बज रहे हैं, मैं आप लोग को नहीं बता सकती मुझे कितना ज़्यादा पेन हो रहा है। मेरा दिल पता नहीं कैसे, मैं उस टाइम ऑपरेशन थिएटर में चली गई, अब मुझसे एक पेन किलर नहीं लगवाया जा रहा। पता नहीं दिल में कैसा डर बैठ गया, अल्लाह जानता है। बस आप लोगों से गुजारिश है, बहुत सारी मेरी दुआ कीजिएगा। और ये ज़ैनब को गिफ्ट दे कर गई है, ज़ैनब ने दिया है ना। सबसे पहले ये देखें, जूते हैं छोटे छोटे और मोजे खाला की तरफ से हैं। और
ये देखें ये छोटे छोटे बहुत छोटा से सूट है, ये देखिए कितने प्यारे हैं। बहुत खूबसूरत है ना, थोड़ा बड़ा होगा फिर पहने। हाँ नहीं ये पूरे आएंगे, और ये देखिए अल्लाह पूरे आएंगे और ये देखे हैं अल्लाह बहुत प्यारे हैं, और इसकी पैंट है ये छोटी अल्लाह, ये उसकी है पैंट पहले जो मैंने खोला। और ये क्या है, और ये पैक होगा ये ऊपर से। हाँ हाँ पैक करने के लिए आपको कह रहा है छोटी कह रही हटो उसका है। चले जी सब आए हुए हैं नैना का बेबी देखने, बेबी की दो मामियां आई हुई हैं, एक मामू आए हैं और बाकी कजन हैं सारे छोटे मोटे देखें छोटे मोटे सारे माशाल्लाह। इस साथ में आए मैं जीत गई। बेबी कैसा लगा? कक्की बेबी कैसा लगा? अच्छा। बादिया बेबी कैसा लगा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है। बेबी कैसा है? अच्छा अच्छा है। आप लोगों का कजन है। हाँ तो आपको कैसा लगा बेबी नैना का? नैना का बेबी मुझे बहुत प्यारा लगा। अभी हमजा की मम्मा से पूछते हैं बेबी कैसा लगा नैना का? माशाल्लाह बहुत प्यारा, बहुत अच्छा। शकल तो अभी सुबह जब देख के गई थी अलग थी, अब अलग है। अभी हमें एक दो हफ्ते पता नहीं चलेगा, चेंज होती रहेगी, उसके बाद बताएंगे। अभी कक्की की अम्मी से पूछते हैं पहले मिठाई खाओ उसके बाद हम बताएंगे। तो मिठाई अभी कल आएगी, कल मिलाएंगे तो मैं कल बताऊंगी मुझे कैसा लगा। और जब मिठाई खाएंगे तब पता चलेगा ऐसे क्यों बताएंगे। तो भी बाबर से पूछते हैं बेबी कैसा लगा? मुझे तो पता है कैसा लगा, जैसे बेबी होता है वैसा लगा। अभी जो है नैना का जो है हो रहा है भाई, सूप पीने का दिल कर रहा था, बस दिल नहीं कर रहा था, मतलब पीना ही उसको यही पड़ेगा, पीना ही उसको यही पड़ेगा। डॉक्टर ने बोला या सूप या सैंडविच, तो इसको मैं पिलाता हूँ अभी, है ना। अभी भी असर है उसका या नहीं है? हाँ तो अभी जो अलीना आई है नैना से मिलने और बहुत ज़्यादा खुश हुई है बेबी को देख के। वो तुम लोगों ने जो पिक्चर भेजी ना, और तुम लोग स्नैपचैट का फिल्टर लगा दो, बिल्कुल वैसा लग रहा। मुझे पूरा याद था चार बोलता था वैसा, क्योंकि वो गुड्डा ही है ना, गुड्डा टाइप लग रहा। मैंने मैडम को दिखाई ना सिस्टर ग्रुप में, तो गोरा है अभी तो बदलेगा 6 महीने तक, रंग खराब भी होगा डिम भी होगा। तो भाई नैना का भी लास्ट इंजेक्शन है, ये नहीं लगवा रही, क्यों नहीं लगवाना? थक गई उधर बर्दाश्त कर करके, बस ये थोड़ा लास्ट है, लास्ट इसके बाद तुम ना दर्द सही है, मुझे नहीं चाहिए पेन किलर। तभी जो है नैना को बेबी दिया है हमने, और कब सुबह से कह रहे थे मुझे बेबी दो बेबी दो, पहले इसको दिया तो यहाँ से सिरिंज निकल गई, थोड़ा ब्लड निकल गया था, तो अब जो है इसको हमने बेबी दे दिया है। तो कैसा लग रहा है अभी? अच्छा है। मुझे बताओ किसकी शक्ल है, मुझे नहीं समझ आ रहा। तो रात के 3:30 हो रहे हैं
और मैं सो रहा था, नैना भी सो, मतलब नैना जाग रही थी बाकी समय और नैना के मम्मी सो रहे थे, इसने मुझे उठाया आवाज़ें लगा लगा के, फिर मैं उठा, इसने बोला बेबी चीख रहा है। कैसे चीख रहा है? हाँ, फिर अभी इसको नैना की मम्मी ने इसको यहाँ पर मिल्क दिया या दूध दिया। चले जी, नैना का जो ऑपरेशन हुआ था तो उस वक्त बिल्कुल ठीक थी और कह रही थी मुझे कुछ नहीं। रात को मैं इनको समझा रही थी कि आप लेट जाएं, सो जाएं, सो जाएं, नहीं बातें कर रही थी, लेटे हुए ऐसे ही बातें कर रही थी, तो जो है मैंने बहुत समझाया, कह रही नहीं कुछ भी नहीं है। तो अभी जो है सुबह उनकी तबीयत ठीक नहीं है और पेन भी बहुत हो रहा है। हाँ, नहीं पता चलता ना, तो अभी जो है ना इनको इंजेक्शन भी लगाया हुआ है, तो अभी तक वैसे ही हो रहा है ना पेन, है ना? हाँ वही ना होता है, तो पता नहीं अंदर कुछ घूम रहा है। हाँ ऐसे होता है, ऐसा होता है। तो वो जो है ना फिर आज जो है ना एक दिन और भी हम रुकेंगे इधर, और जैसे नैना बिल्कुल ठीक हो जाएंगी तो फिर मैं लेके जाऊंगी घर और खुशी खुशी हम जाएंगे इंशाल्लाह। और बेबी बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है, लेकिन नैना का जो है ना पेन हो रहा है, तो इस वजह से जो है जो भी दवाइयाँ वो लिखवाऊँगी मैं, डॉक्टर आएंगी तो उनसे मशवरा भी करती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। और इन्होंने कुछ खाया भी नहीं है ना, तो इस वजह से भी बस एक चाय लिया, दो घूंट और एक बिस्किट लिया था, बस तीन बिस्किट लिए थे और बस यही, और कुछ भी नहीं। तो मैं इनको कह रही हूँ कि अभी नाश्ता करें, तो फिर अल्लाह करे दवाई भी देंगे तो फिर ठीक हो जाएंगी आप। जब खाओगी नहीं ना तो पेट खाली है, इस वजह से और आपको पेन हो रहा है, ठीक है? खाएंगी ना, नाश्ता करेंगी, पेट आपका फिर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? तो इंशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक होंगी। और एक्सेशन का पता नहीं लगता, हाँ बाद में होता है, मैंने वही बोला था आपको, बाद में पता चलता है, उस वक्त नहीं होता। चले, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ करे और आपको सेहत वाली ज़िंदगी दे, और बहुत सारी दुआएं हैं मेरी आपके लिए, अल्लाह आपको बहुत खुशियाँ दे। आमीन सुम आमीन।